हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिट फिट अलाउट में। आज हम लोग आए हैं सेक्टर 28 चिल्ड्रंस पार्क काफी अच्छा, और काफी मैं लास्ट मंथ भी आई थी तभी ओपन नहीं था, फिर अभी ओपन हो गया तो बच्चों के लिए बहुत हैपनिंग प्लेस है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके इवनिंग में स्ट्रोलिंग करते हैं, घूमते हैं, ओल्ड एज पीपल वो भी काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी टाइम से मेरी बकेट लिस्ट में था और मैंने सोचा था कि मैं पक्का सेक्टर 28 में विजिट करूँगी। तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। सेटिंग के लिए बहुत अच्छे ना यहाँ पे मार्बल की वो बनवा रखे हैं इन्होंने, चबूतरे बना रखे हैं, और यहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, कुछ सुकून के पल बिताते हैं, फैम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीन के ऊपर से मेन बात है कि गांधीनगर में ग्रीन सिटी बहुत बोला जाता है गांधीनगर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरियाली है और वेदर बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि अभी मानसून का वेदर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और आप देखेंगे पूरा पार्क बहुत अच्छा है। पीछे लेक है, छोटा सा लेक है, और यहाँ पे ना टॉय ट्रेन है, बहुत अच्छी है, टनल भी बने हुए हैं, लेकिन वो अभी ट्रेन कोविड की वजह से बंद कर रखी है। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी ओपन होगी तो मैं आप लोगों को भी वो ट्रेन भी ज़रूर दिखाऊंगी जिसके लिए वो फेमस है। तो हम अपने बच्चे को आज संडे दादू पिकनिक एंजॉय कराने के लिए आज लेके हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। व्यू दिखा देती हूँ, काफ़ी बड़ा पार्क है, और मैं अभी यहाँ के स्पॉट की बात करी थी, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बैठ के बातें करते रहते हैं, और पूरा बहुत अच्छा ट्रैक बना रखा है, पाथ बना रखा है घूमने के लिए। तो जितने भी ये इंस्टाग्राम के रील्स बनाते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील्स की शूटिंग हो रही थी। तो बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लाइट सा मूड हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। ऊपर से ना काफ़ी ज़्यादा ना क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा गया। मुझे याद है मेरे बेटे के हाथ में एक चिप्स का पैकेट था, गार्ड ने कहा कि नहीं मैम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कोई भी पैकेट वाली चीज़ें, सिर्फ आप पानी की बॉटल लेके जा सकते हो। तो हम सिर्फ ने बॉटल कैरी करी और हम लोग यहाँ पे घूमने आ गए। और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा ट्रैक बना हुआ है और वहाँ पे स्टेयर्स हैं, बीच में से वो रेलवे क्रॉसिंग बना रखी है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग पे पहले ट्रेन चलती थी, अभी वो फिलहाल बंद कर रखी है। मे बी नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट होगी। देखिए बहुत अच्छा ट्रैक बना रखा है और बीच में ना ब्रिज भी लग रहा है, बिल्कुल फील दे रखी है इस पार्क में कि यहाँ पे जैसे ट्रेन चलती है, बट अभी फिलहाल वो बंद है। तो ब्रिज है, नीचे ब्रिज के वो पानी की मतलब लेक है ना यहाँ पे, वो लेक का पानी यहाँ पे जा रहा है, तो उसके पानी के ऊपर इन्होंने ब्रिज बना रखा है, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। और बेस्ट है यहाँ की ग्रीनरी और फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं आगे, क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क है तो बहुत अच्छे स्विंग्स है बच्चों के लिए। तो अब मेरा बच्चा वहाँ पर स्विंग्स पे झूलने आता है, तो संडे को तो ऑलमोस्ट हमारा हमारे बेटे के लिए ही होता है, जिस दिन बेटा बोले कि हाँ मुझे इस पार्क में जाना है, हम इसको हमेशा पार्क में घुमाने लाते रहते हैं। चलो युग, आप देखो युग यहाँ पे ना वो एक ट्रैक पे ना जिगजैग चलने की कोशिश कर रहा है, वन स्टेप ले रहा है। ये हरकतें हम भी करते थे बचपन में जब छोटे होते थे। अब मेरा बेटा घर रहा है तो मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। और मेरा जो इलाहाबाद में स्कूल था A4 स्कूल, वहाँ पे बिल्कुल हमारे स्कूल की बैक के जो बाउंड्री थी उसके पास ही ट्रैक होती थी, तो हम उसे ट्रैक को क्रॉस करके ही हमारा कैंपस आता था, हम वहाँ पे अपने घर जाते थे, तो साइकिलिंग करके जाते थे। चलो यहाँ पे देखिए वुडन बिल्कुल फील आ रही है, ब्रिज पे चल रहे हैं, ऊपर इस पर ट्रैक बनाया हुआ है, आराम से बैठा। हीरो हीरोइन अमाइ आज ये रस्तो तो ऐसे है ना, देखिए नीचे क्योंकि काफ़ी स्पेस है तो थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए, साइड में भी है। देखो यहाँ पे स्पेस है ना, काफ़ी गैप है तो थोड़ा ध्यान से, अभी बच्चों को तो शरारत करनी होती है, मेरे बच्चों को यहाँ पे बदमाशी करने में बड़े मज़े आ रहे हैं। इसको एक टास्क है जो लेक में बहुत ही अच्छा वो है, मतलब बच्चों के लिए ना एक्टिविटीज़ के लिए वो रस्सियाँ बांध रखी हैं रोप के ऊपर। चलो चलो अभी स्लो पे थोड़ा डर रहा है, चलो अभी हमारा रेलवे क्रॉसिंग वाला ये ब्रिज कंप्लीट हो गया है, चलें
देखिए काफी क्राउड है, काफी लोग घूमने हैं और संडे को तो यहाँ पे हमेशा ही काफी ज्यादा रश होता ही है। मेरे बच्चे ने काफी ज्यादा खेली यहाँ पे, जो स्विंग एरिया था ये आपको मैं पूरा व्यू दिखा देती हूँ किस तरह के स्विंग्स बनेंगे आप चिल्ड्रंस पार्क में सेक्टर 28 में। बेंचेस बने हुए हैं और शेड भी डाल रखी है कि लोगों को अगर बारिश आ जाती है, जैसे अभी हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, लोग यहाँ पे बैठ के चिप्स वगैरह खाते, तो ये सारे यहाँ पे स्विंग्स थे और एक्सरसाइज करने के लिए बच्चे भी मतलब इंस्पायर होते हैं इस तरह के। आजकल स्विंग्स भी इस तरह के सेटअप कर रखे हैं गवर्नमेंट ने कि अपने फिटनेस के रिगार्डिंग भी थोड़े मोटिवेट रहें और सतर्क रहें और अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ एफर्ट डाल सकें। तो अच्छा था नो डाउट, काफ़ी मैंने आपको पूरा व्लॉग मेरा चेक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा मैंने पार्क कवर कर लिया है। फिलहाल जो यहाँ की स्नैक्स की शॉप्स हैं और जो ट्रेन है वो सर्विस अभी बंद है क्योंकि कोविड की वजह से, या इसी मंथ ये वापस ओपन हुआ, लास्ट मंथ तक ये बंद था, मैं पहले भी आके जा चुकी हूँ। बट अच्छा था, मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा और जो गांधीनगर के लोग हैं वो यहाँ पे आके एंजॉय करते ही रहते क्योंकि बिल्कुल ना सिटी में एक ग्रीनरी के अंदर ही बिल्कुल सेटअप कर रखा है, बहुत अच्छी जगह सेंटर में बना रखा है पार्क, आपको सेक्टर 28 में मिल जाएगा। तो अच्छा पार्क था मेरे को, आई थिंक सरिता उद्यान से मुझे फार बेटर ये लगा, थोड़ा मतलब हैपनिंग ज़्यादा वो लगा, वहाँ ज़्यादा क्राउड ज़्यादा आता है सरिता उद्यान में। तो आपको जिनको सरिता उद्यान का व्लॉग भी चेक करना है वो मेरे पुराने व्लॉग चेक कर सकते हैं, आपको उसमें सरिता उद्यान का भी मिल जाएगा और सूर्य ज्योत लेक का भी व्लॉग मिल जाएगा। तो मैं निकलती हूँ क्योंकि बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, आप हमारे साथ बने रहेगा और मे बी ऑलमोस्ट मैं सैटरडे संडे को तो मेरे ट्रैवलिंग के व्लॉग्स होते हैं क्योंकि सैटरडे संडे को ही हमें टाइम मिलता है जॉब से फ्री होके, तो सैटरडे संडे को हम लोग ट्रैवल करते हैं कहीं कहीं, काफ़ी जगह न्यू जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो जो ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और जो खाने के शौकीन हैं वो हमारे चैनल पे व्लॉग्स देख सकते हैं क्योंकि उनको उनके टाइप का वहाँ पर वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप लोग हमारी पुरानी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लीजिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चले कोई बात नहीं, तो देखिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ और अच्छा रहा, आउटिंग अच्छी थी आज की चिल्ड्रंस पार्क था, तो बच्चे ने अगर एंजॉय कर लिया तो पेरेंट्स की काम टास्क यहीं पे कंप्लीट हो जाती है और रियल हैप्पीनेस, अगर आपके बच्चे खुश हैं ना तो आप लाइक कर लिया तो मेरा आज का डे ना वसूल हो गया, और मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा बेटा हैप्पी है तो मैं ऑटोमेटिकली हैप्पी होंगी। तो काफ़ी अच्छा था, जो भी फैमिली वाले हैं, वैसे भी जो कॉलेज गोइंग बॉयज़ गर्ल्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं घूमने आते हैं, जो पिक्चर्स के शौकीन हैं, जिन्हें ग्रीनरी में रहना पसंद है ना, जो मतलब एनवायरनमेंट लवो फ्रेंडली हैं और जिनको हमारी नेचर से ज़्यादा प्यार है, नेचर लवर्स के लिए ये पार्क भी बेस्ट है। ये भी सामने बड़ा अच्छा ब्रिज बना रखा है, तो ये सरिता उद्यान जैसा ही बना रखा है, तो अच्छा है काफ़ी अच्छा। और हमारा आज का व्लॉग हमने काफ़ी इन्जॉय करा, बेस्ट पार्ट किया, मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय करा, तो आई एम ऑल्सो हैप्पी। यू चलें, अब बेल्ट आई थिंक इरिटेशन हो रही है, वो बेल्ट नहीं करना। देखिए अभी काफ़ी अच्छा मुझे ब्रिज लगा, हाइट भी बेटर है, तो अभी मुझे यहाँ के मैनेजर से भी मेरी बात हुई, ये सर मैनेजर है मेरे साथ में ही है, और सर आपका नाम बता दीजिए फिर से। एम मेरे को बताया कि 2 महीने बाद और ज़्यादा रेनोवेट हो जाएगा पार्क, तो अच्छी बात है। आज हमारी है तो ये सेकेंड विजिट, फर्स्ट टाइम हम आके गए थे वापस क्योंकि तब ये बंद था, कुछ पोर्शन अभी ओपन हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं, तो 2 मंथ में तो ये और बिल्कुल रेनोवेट हो जाएगा, तब तक मैं दिवाली मना के अपने घर से जब वापस आऊँगी, क्योंकि अभी देखिए हरियाणा वाले हैं तो दिवाली तो अपनी फैमिली के साथ बनती है, फैमिली के साथ जब हम मिल के वापस यहाँ पर आएंगे तो नेक्स्ट विजिट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और ये एड ऑन वाले हैं, 27 तरह की यहाँ पे रहेंगी, तो ये चीज़ बेस्ट है। मैंने देखा कि जब मैं ट्रैक पे से चल रही थी तो यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए राइड्स रखी हुई थी, वो अभी चालू हालत में नहीं क्योंकि उन पर अभी काम चल रहा है, बीच में कादा था उस वजह से भी बंद था, और ना वेदर की कई बार क्या होता है कि बारिश बहुत होती है गुजरात में, गांधीनगर में ज़्यादातर दिन ब दिन बारिश होती रहती है, इस वजह से कई बार काम रुक जाता है। जब ये अभी थोड़ा वेदर ठीक होते यहाँ पे काम चालू होगा तो 2 महीने और लगेंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छा पार्क बन जाएगा। यहाँ पे एक और भैया ने मुझे बताया कि ना पार्क में 3D के मूवीज़ का भी आपको इन्जॉय करने के लिए वो भी सर्विस मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा है। और चौपाटी यहाँ पे देखिए G5 में गई थी, वो वाला भी आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, वहाँ पर भी काफ़ी गैदरिंग है, तो उसी तरह का सेटअप है बिल्कुल यहाँ पे सेक्टर 28 के
चिल्ड्रंस पार्क में भी आपको चौपाटी वाली सारे फ्लेवर्स, हर तरह के अच्छे स्नैक्स आपको इस पार्क के बाहर ही मिल जाएंगे। तो अच्छा पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, और बच्चों के लिए स्कूल ट्रिप्स के लिए आना है, स्कूल पिकनिक्स पे आना है, तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि सेक्टर 28 में विजिट करके चिल्ड्रन पार्क में आप भी एक्सप्लोर करके बताइएगा मुझे, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और आप और क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके लेट्स गो। देखिए ये बहुत अच्छी टनल है, इसमें से ये यहाँ की ट्रेन की क्रॉसिंग होती है। अभी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, तो आफ्टर 2 मंथ ये वापस से चालू हो जाएगी। तो अच्छा बच्चों को डरा देखिए, और अंधेरा है क्योंकि आपको डर नहीं लग रहा, देखो अंधेरा है वहाँ पर टनल में, आप अंधेरे में जाओगे? चलो चलो, डर के आगे जीत है। चलो मम्मी पापा साथ आपके। अच्छा लगे यहाँ पे अंधेरा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे स्नेक मम्मी का हाथ पकड़ लो। अब आपको इस चैनल में अंधेरे में कोई वीडियो में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अंधेरे का नकली होते बहुत सारे नकली है, बहुत नकली होता अच्छे नहीं होता मम्मी। ओके पोपो अच्छा लगा जाने में जा मजा आया। देखिए अब हम टनल में से निकल के आए, अच्छी बड़ी टनल थी है, और ये पूरा पार्क मतलब ना एड टाइप है, आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट मिलते रहते हैं कुछ को। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके लेक में, यहाँ पे काकरिया लेक जैसा तो भाई अहमदाबाद से तो उसके मुकाबले तो थोड़ा छोटा है, लेकिन ये लेक भी अच्छी है, छोटी है, लेकिन यहाँ पर भी अभी ना काफ़ी सारे वापस से बोटिंग सर्विस स्टार्ट होने वाली है। 2 मंथ के बाद यहाँ पर फिर से बोट चलेंगी और काफ़ी अच्छा हैपनिंग, और ज़्यादा हैपनिंग क्राउड हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको देखिए मैं स्टार्टिंग, हम लोग यहाँ से ही हमने अपनी ये पार्क का ब्लॉग स्टार्ट करा था, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हम यहाँ से एग्जिट मार रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और इस ब्लॉग को ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हर जगह डस्टबिन लगा रखे हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। आपको 200 मीटर के डिस्टेंस पे बड़े यहाँ पे बेंचेस भी मिलेंगे अच्छे बैठने के लिए, ऊपर से डस्टबिन भी है, तो सब एक अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो ये काउंटर बना है, यहीं पे आगे जाके आपको ना, अगर आपको ट्रेन पे ट्रैवल करना है, राइड्स की टिकट सर्विस भी यहीं पे सामने ये जो दो काउंटर बने हुए हैं इसी बिल्डिंग में मिलेंगी। तो 2 मंथ बाद जिन्हें वैसे पार्क में को एंजॉय करना है, ट्रैक पे चलना है, अपने बचपन के दिन याद करने, अभी उनके लिए बेटर है, लेकिन अगर आपको राइड्स को एंजॉय करना है तो आपको 2 मंथ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मंथ के बाद एड ऑन होंगी राइड्स। अभी आपको सब बेसिक पार्क मिलेगा, और पार्क में ब्रिज वगैरह नॉर्मल स्विंग्स है बच्चों के लिए, वो सब है झूलने के लिए, लेकिन राइड्स अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब हम लोग निकलते हैं, शाम हो चुकी है, अब हमारा बच्चा थक चुका है, काफ़ी ज़्यादा खेल चुका है आज 2-2.5 घंटे। अब इसकी शर्ट दिखाना यू, पूरा स्वेटिक से ना इसका शर्ट गीला हो गया, काफ़ी ज़्यादा खेला। कैसा लगा आपको पार्क में आ गया आज? मजा आए?